लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपाचे सर्वर को अपने सेंटोस लिनक्स मशीन में कॉन्फ़िगर किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस को सेंटोस सर्वर के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जाए और उसमें एक होस्टिंग वेबसाइट कैसे बनाई जाए वर्डप्रेस का यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। ओके, तो आपको कुछ जैसे हमने पहले अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करते टाइम जो कमांड्स यूज करी थी वही आपको सेम कमांड्स कुछ तो वही यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने पहले मारिया डेटाबेस, HTTPD और PHP को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया था। मेक श्योर करें आपकी ये पैकेज सभी के सभी इंस्टॉल हों वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले। ठीक है, तो मेरे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सभी के सभी पैकेज, तो मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, तो ये सारे सारे पैकेज मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, HTTPD यानी अपाचे की सर्विस को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हम एक और मेक श्योर कर लेंगे कि हमारी HTTPD की सर्विस इनेबल भी हो। ठीक है, अपाचे की सर्विस हमारी इनेबल है और मारिया डेटाबेस को भी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा उसकी सर्विस को। ठीक है, और इसे भी हम इनेबल कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो मारिया डेटाबेस है वो कॉन्फ़िगर भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा मारिया डेटाबेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है वैसे तो। ठीक है, तो हम इसे दोबारा कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्फ़िगर कर लिया था इसको। अब हम एक मारिया डेटाबेस का सॉरी एक वर्डप्रेस के लिए हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब हमें डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम MySQL के टर्मिनल पे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे MySQL -u, रूट से हम लॉगिन करेंगे -p और पासवर्ड एंटर करेंगे और अपना जो हमने लास्ट वीडियो में डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करते टाइम जो पासवर्ड सेट किया था एडमिन का रूट का, तो वही यहाँ पर हमें पासवर्ड देना पड़ेगा। तो इसको हम पासवर्ड दे देते हैं और अब हम हमारे डेटाबेस के टर्मिनल पर आ गए। तो अब हमें यहाँ पर एक डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का हम नाम दे देते हैं एक बार के लिए वर्डप्रेस ही दे देते हैं। जब भी कोई लाइन यहाँ पर ख़त्म होगी तो हमें यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। इसको एंटर करते हैं, तो ये ओके है, हमारा डेटाबेस एक क्रिएट हो गया है। अब हम यूज़र नेम और पासवर्ड भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखें क्रिएट यूज़र, अभी हम एडमिन दे देते हैं इसका। ठीक है, मेक श्योर करें आप अपना पासवर्ड और यूजर नेम थोड़ा स्ट्रॉन्ग दे। ठीक है, और पासवर्ड ही हम जो है एडमिन ही रखते हैं। ठीक है, अभी के लिए डेमो के लिए हमने एडमिन एडमिन रखा है, उसको हम चाहें तो फ्यूचर में हम चेंज भी कर सकते हैं। अब सभी के सभी जो है यूज़र हमने क्रिएट किए हैं उसको हम प्रिविलेज देंगे। ठीक है, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन वर्डप्रेस, जो हमने डेटाबेस को क्रिएट किया था उसका नेम और जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड रखे थे उसका नेम, @ लोकल होस्ट, इसको एंटर करेंगे। और एक बार जो प्रिविलेज है हमने प्रिविलेज किया है इसको, अब इसकी सर्विस को हम एक बार रीलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्लश प्रिविलेजेस सेमीकोलन एंटर और इसको कर देंगे हम एग्जिट। ओके, तो अब हम हमारे डेटाबेस के शेल से बाहर आ गए हैं, इसको एक बार क्लियर करेंगे। और हमें कुछ PHP के एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो हम ये कमांड लगाकर yum install php-gd php-xml php-mbstring-y लगाकर इसके कुछ एक्सटेंशन हैं वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे एक्सटेंशन जो है पीएचपी के सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे सेंटोस मशीन में। अब अपाचे की सर्विस को हम एक बार रीलोड कर लेंगे, रीस्टार्ट कर लेंगे। सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट HTTPD। तो अब जो है हम एक बार हमारे वेयर www और HTML के फोल्डर में चलते हैं। अब हम जो है स्लैश वेयर www और HTML के फोल्डर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ फाइल क्रिएट करी होंगी तो उसको हम एक बार डिलीट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे rm-r और एंटर कर देंगे, यस। अब हम यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, मतलब अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है डब्ल्यू गेट HTTPS, जो लेटेस्ट वर्जन होगा वर्डप्रेस का वही हम डाउनलोड करेंगे, लेटेस्ट डॉट डॉट डॉट। तो ये यहाँ पर आपका वर्डप्रेस जो है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, इसकी एक जिप फाइल, ठीक है। तो उसको हम बाद में अनजिप करके उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, इसको हम अनजिप करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे tar-xzf और इसका फाइल का नेम दे देंगे, एंटर करेंगे इसको, तो ये हमारा अनजिप हो जाएगा यहाँ पर। और इसको हम डिलीट कर देंगे हमारे यहाँ से, रिमूव कर देंगे सिस्टम से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस में, परमिशन को सेट कर देते हैं कमांड के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर एक परमिशन दे देते हैं, chmod करके हमने यहाँ पर परमिशन दे दी 755 की, ठीक है। और हमारा जो वर्डप्रेस उसका पूरा पूरा पाथ दे दिया। अब हम वर्डप्रेस के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। हम चलते हैं वर्डप्रेस के अंदर, और अब यहाँ पर ना आप एक फाइल देखोगे जिसका नाम है wp-config-sample.php। वो जो फाइल है हमारी ये वाली फाइल है, ठीक है। इसको हम रीनेम करके wp-config.php के नाम से रीनेम कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं wp-config और wp-config.php, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे वो फाइल जो है रीनेम हो गई है। इसके अंदर हम अपना एडिट करेंगे, ठीक है, config.php, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का यूजर जो हमने सेट किया था, और डेटाबेस का पासवर्ड हमें सेट करना पड़ेगा। हमने जो डेटाबेस का नाम क्रिएट किया था वो था वर्डप्रेस ही, ठीक है, जो हमने माया डेटाबेस के अंदर किया था। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्डप्रेस। जो हमने यूजर नेम सेट किया था वो था एडमिन, तो यहाँ पर एंटर कर देंगे एडमिन। और पासवर्ड भी हमने एडमिन ही सेट किया था। जो क्रेडेंशियल आपने सेट की होंगी वही आपको सेम एज इट इज लिखनी है, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे। तो अब चलते हैं हमारे वेब ब्राउजर में, फायरफॉक्स में, ठीक है। तो हम अपने वर्डप्रेस को एज ए वेब ब्राउजर के थ्रू इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हमने ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। हम एक बार अपना आईपी चेक कर लेते हैं सर्वर का, जो है 1.11 है। इलेवन, वर्डप्रेस एंटर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये खुल जाएगा हमारा वर्डप्रेस का एक पेज खुल जाएगा, जिसमें हम अपनी साइट का, वेबसाइट का टाइटल, यूजर नेम, क्योंकि आपको पता होगा इंटरनेट के जितने भी 70% से ज़्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही रन करती हैं। तो यहाँ पर एक हमारा वेबसाइट हमारे लोकल सिस्टम के लिए बन जाएगा, क्योंकि हमने वर्डप्रेस को अपने सेंटोस मशीन में एज ए बैकएंड तो इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें एक वेब पैनल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंटोस डेमो सर्वर कुछ भी दे देते हैं। यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दो आप,
जो आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पर आप ईमेल अपना सेट कर सकते हो, ठीक है। इसको करते हैं हम इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है वर्डप्रेस, तो इसको हम एक बार लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जाकर हम अपना लॉगिन कर सकते हैं। हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी हमने लॉगिन कर लिया है। अब आपको मैं वर्डप्रेस का जो वेबसाइट हमने इंस्टॉल किया है उसको मैं दिखा देता हूँ। व्यू साइट पे चलते हैं हम। ठीक है, तो ये जो है वर्डप्रेस का हमारा पेज है जो हमने सेटअप किया है। ठीक है, ये देखिए, ये एक बेसिक सा पेज है। जो भी आपको चेंजेस करने हैं, इसमें कुछ पोस्ट करना है वो भी हम कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे पोस्ट पे, ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पोस्ट। पोस्ट का हमने यहाँ पर टाइटल्स ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेंटोस लिनक्स सर्वर। और जो भी आपको यहाँ पर पेज में कुछ भी आपको ऐड करना है वेब पेज में, हेलो दिस इसको हम पब्लिश कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम व्यू पोस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा व्यू पोस्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा एक वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट होस्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारे नीचे आप अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको आप जितने भी आपने पोस्ट किए होंगे अपने वर्डप्रेस के थ्रू, तो टाइटल जो भी आपके रहेंगे वो यहाँ पर आपको शो करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस को सिक्योर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।